ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम धर्मावली रांची के कडरू स्थित हज हाउस में इकट्ठे हुए। अपनी अपनी जगह में बैठकर मौलाना साहब की तकरीर को गौर से सुना। इसके बाद ईद उल फितर की 2 रकात नमाज अदा की और देश भर में अमन और चैन के लिए दुआएं मांगी गई। तकरीर में इमाम साहब ने ईद उल फितर की विशेषता को बतलाया और कहा कि अमीर गरीब सभी के लिए ईद का त्यौहार है, बल्कि दुनिया भर में जितने भी मजहब हैं सभी के लिए इसका। इसके बाद सदकाए फितर की महत्ता बताते हुए कहा कि सदकाए फितर ईद उल फितर की नमाज अदा करने से पहले अदा कर दे, ताकि गरीब मिस्कीन लोग भी नए कपड़े पहनकर नमाज अदा कर सके और उनके बच्चे अच्छे और नए कपड़े पहनकर खुशी मना सके। ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम धर्मावलियों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी।